नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर रियासत की। कश्मीर रियासत ये भारत की हैदराबाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भारत की बाकी रियासतें हैं, जैसे कि उदयपुर हो गया, ट्रावणकोर हो गया, मैसूर हो गया, ये मतलब काफी पुरानी रियासतें हैं। जैसे ये 200-300 साल तक इन रियासतों में इन राज परिवारों ने राज किया। पर जम्मू कश्मीर रियासत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो रियासत है और जो आज हम इनफैक्ट जो कश्मीर और लद्दाख अलग होने से पहले जो बॉर्डर्स थे वो सिर्फ 100 साल तक 1840 से लेकर 1947 तक ये रियासत रही। पर फिर भी अगर हम देखें इंडिपेंडेंट इंडिया का इतिहास, 1947 के बाद का इतिहास, तो जो काफी समस्याएं भारत को पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर में फेस करनी पड़ी है और चीन के साथ जो लद्दाख, अक्साई चीन, पैंगोंग लेक का जो इलाका है जो अभी भी चर्चा में है, तो ये दोनों चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे जो ये जो इश्यूज हैं वो जम्मू और कश्मीर रियासत से जुड़े हुए हैं। जम्मू और कश्मीर रियासत पर जामवाल राज परिवार ने राज किया, जिसे डोगरा डिनेस्टी भी कहा जाता है। अब मध्ययुगीन भारत में जो जम्मू और हिमाचल का जो एरिया था वहां पे छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि जम्मू एक थी, जसरोटा एक थी, चांबा, कांगड़ा, ऐसी कई रियासतें थी और इन पर एक एक राजा राज किया करते थे और इन्हें पहाड़ी स्टेट्स कहा जाता था। और ये जो यहाँ के जो राजपूत लोग हैं उन्हें डोगरा राजपूत, नेम्ड आफ्टर द डुगर्स और द माउंटेन्स, द पीपल ऑफ द माउंटेन्स, तो वहां से ये डोगरा राजपूत नाम आता है और उनकी भाषा थी डुगरी, जो जम्मू में आज भी बोली जाती है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग चीफ्टन्स थे वो पहले मुगल साम्राज्य के अधीन थे और मुगल राजा को ये ट्रिब्यूट दिया करते थे। अब 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा तो ये जो हिल स्टेट्स हैं, जो पहाड़ी राजा है, वो सेमी इंडिपेंडेंट होने लगे। तो उस समय में राजा ध्रुव देव करके जो राजा थे उन्होंने तावी नदी के तट पर जम्मू शहर का स्थापना किया और ये जो मुबारक मंडी करके यहाँ पे एक पैलेस है, तावी फोर्ट है, तो यहाँ पे वो राज करने लगे। तो राजा ध्रुव देव के बाद उनके जो सक्सेसर्स थे वो थे राजा रंजीत देव। तब जो जम्मू की जो रियासत थी वो एक बहुत ही छोटी रियासत थी, विच इंक्लूडेड द टाउन ऑफ जम्मू और आसपास का थोड़ा सा इलाका। पर एक बात ये थी कि वो एक व्यापारी मार्ग पे स्थित होने के कारण एक काफी प्रॉस्परस टाउन हुआ करता था। अब राजा रंजीत देव के बाद क्या होने लगा कि अब ये जम्मू जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में आता है और उसके पास में अगर आप जम्मू इलाके के आगे चल के देखो तो पंजाब आता है। तो उस समय मुगल साम्राज्य टूट गया था और अलग अलग जो सिखों के जो प्रिंसिपैलिटीज थी जिन्हें मिसल कहा जाता था उनका राज था और जो मिसल्स थे वो आपस में लड़ते थे और उनके काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। अराउंड 1800s के करीब एक मिसल के एक युवा जो योद्धा थे रंजीत सिंह, उन्होंने फिर एक 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 करके सारे मिसलों पर अपना राज जमाया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। ये थे द ग्रेट महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। और उस समय क्या हुआ कि जो सुकरचक या मिसल है, भांगी मिसल है, उन्होंने जम्मू पर कई हमले किए, पर जो जम्मू के राजा थे वो हमेशा रिजिस्ट करते थे। बट अराउंड 1800s के करीब एक बहुत बड़ी फौज लेकर जो सिख आर्मी है उसने जम्मू पर कब्जा कर लिया और वो जो मेन जो राजा ध्रुव देव और राजा रंजीत देव का जो मेन फैमिली के जो जम्मू के जो राजा थे उनके राज को खत्म कर दिया और यहाँ पे सिखों का राज शुरू हुआ।
उस समय पे क्या हुआ कि ये जो जामवाल रॉयल फैमिली थी, राजा ध्रुवदेव के वंशज, उनमें से एक वंशज थे गुलाब सिंह करके। तो ये जो गुलाब सिंह का जो परिवार था, गुलाब सिंह और उनके दो भाई सुचेत सिंह और ध्यान सिंह, ये महाराजा रणजीत सिंह की फौज में भर्ती हुए। और धीरे धीरे करके जैसे हम बोलते हैं, उनका प्रमोशन होता गया। और ओवर टाइम ये जो डोगराज हैं, दे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली सिख साम्राज्य में। जो गुलाब सिंह के जो नेफ्यू थे हीरा सिंह, वो महाराजा रणजीत सिंह के फेवरेट थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का इस डोगरा परिवार पे इतना ट्रस्ट था, और उनके जो ये जो तीन भाई थे, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह और ध्यान सिंह, उन पर इतना विश्वास था। तो उन्होंने क्या किया कि अराउंड 1820 में जम्मू है उसे गुलाब सिंह को एज जागीर दे दिया गया, जिन्हें अंग्रेजों ने एज कनिंग एज अ फॉक्स कहा है, वो बहुत चतुर थे। जो दो भाई थे सुचेत सिंह और ध्यान सिंह, वो लाहौर दरबार में काफी सक्रिय थे, पर गुलाब सिंह जो थे वो अपनी जागीर जम्मू में रहा करते थे। और उन्होंने क्या किया कि जो आसपास के जो बाकी डोगरा छोटे छोटे जो रियासतें थी, तो उन सारे एरियाज को कैप्चर करके अपने जम्मू राज्य में उन्होंने विलीन कर लिया। अब महाराजा गुलाब सिंह के एक ग्रेट जनरल थे जोरावर सिंह गहलूरिया, जिन्हें द नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उस समय कैसे हुआ करता था कि मल्टी टायर सिस्टम हुआ करता था, कि जो लाहौर दरबार है वो जो सिख साम्राज्य की राजधानी थी वो लाहौर में हुआ करती थी, उनके अंडर थे ये जम्मू के राजा, और फिर जम्मू के राजा के अंडर थे उनके जनरल, जैसे जनरल जोरावर सिंह थे। और जनरल जोरावर सिंह ये इतने ब्रिलियंट जनरल थे कि उन्होंने एक के बाद एक उस एरिया की जो रियासतें हैं उन्हें कैप्चर करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे स्ट्रेटेजिक था लद्दाख। लद्दाख क्यों स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि जो काराकोरम पास है, जो चाइना की जिंगजियांग से आता है, चीन से आता है, तो एक तरफ वो था, एक तरफ ये जो गांधारा और जो आज का जो पेशावर और वो सब एरिया है, एक तरफ लद्दाख तिब्बत है। तो जो ये काफिले वो जिसे हम कैरवन्स बोलते हैं ऑफ ट्रेडर्स, तो वो सारे इस लद्दाख से पास होते थे। तो लद्दाख का स्ट्रेटेजिक महत्व उस समय भी बहुत था। तो 1834 टू 1842 में के बीच में बहुत बड़ी फौज लेकर डोगराओं ने लद्दाख पर हमला किया। लद्दाख का अपना स्वतंत्र राज्य था, तो लद्दाख ने काफी रेजिस्ट किया, और फिर फाइनली बहुत लड़कर लद्दाख को कश्मीर राज्य में विलीन किया। और अभी 2019 में जब लद्दाख और कश्मीर अलग हुआ, तो तब से लेकर 1840 से लेकर 2019 तक लद्दाख जो जम्मू कश्मीर है उसका एक अंग हुआ करता था। उसके बाद जो जोरावर सिंह है, उन्होंने जो आज का जो हम नॉर्दर्न एरियाज बोलते हैं ऑफ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख भी अभी कहा जाता है, कि जो गिलगित, बाल्टिस्तान, चिलास, ये जो सारे जो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो इन सारे एरियाज पर भी उन्होंने अपना राज्य जमाया। उसके बाद क्या हुआ, महाराजा जब 1840s में महाराजा रणजीत सिंह जी का निधन हो गया लाहौर में, तब जो उनका जो परिवार है और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, सांधिया वाला और उनके जो बेटे शेर सिंह, खारक सिंह, उनमें बहुत इंट्रीग्स और झगड़े शुरू हो गए, कत्लेआम शुरू हुआ। और उसमें ये जो डोगरा परिवार है, ये जो जंजाल है हत्याओं का और इंट्रीग्स का, उसमें ये परिवार फंस गया। जो गुलाब सिंह थे, उनके दो भाई सुचेत सिंह और ध्यान सिंह, जो उस टाइम लाहौर में थे एज मिनिस्टर्स, उन दोनों का भी उनकी हत्या कर दी गई। जो गुलाब सिंह के जो नेफ्यू थे हीरा सिंह, उनकी भी हत्या कर दी गई। एंड द ओनली रीजन वाई गुलाब सिंह सर्वाइव्ड वाज बिकॉज वो जम्मू में थे और जो लाहौर की जो पॉलिटिक्स है उससे अलग थे। अब क्या होने लगा कि जो अंग्रेज है और जो सिख साम्राज्य है उसमें बहुत झगड़े होने लगे। और जब 1846 में
लड़ाइयाँ हुई और जो अंग्रेज और सिख के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो तब जो गुलाब सिंह है उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी की, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। और एज पर दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1846, जो कश्मीर घाटी है उसे महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीज में अंग्रेजों से खरीदा। और तब से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं ऑफ जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान हम बोलते हैं, ये सारा जो है वो एक राज्य में बन गया। तो 1846 कैन बी कंसिडर्ड एज जो हम जम्मू कश्मीर का जो 2019 के पहले का जो मैप था वो 1846 में उसको बना। महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो बहुत ही स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, बट उस टाइम पे कैसा था कि ये जो पूरी जो जम्मू कश्मीर रियासत थी वो एक तो पहाड़ी इलाका थी और दूसरी बात उसका टेरेन बहुत खराब था, प्लस ये जो एरियाज थी जम्मू लद्दाख गिलगेट ये पूरे कंप्लीटली डाइवर्स एरियाज थे, उसकी पॉपुलेशन अलग थी, उसके रिलीजियस जो कॉम्पोजिशन है लैंग्वेज सब अलग था, तो बहुत ही एक डिफिकल्ट था जो डोगरा राजा है उनको ये पूरी एरिया पे रूल करना। एनीवेज महाराजा गुलाब सिंह ने कोशिश की कि ये जो पूरा जो न्यूली कॉन्कर्ड एरिया है उसमें अपना राज बिठाया जाए। 1856 में महाराजा गुलाब सिंह का निधन हो गया और उसके बाद गद्दी पर आए उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह, जिनके टाइम पे एक्चुअली ये जो पूरी जम्मू और कश्मीर रियासत है वो कंसोलिडेट हुई। 1856 में जब महाराजा रणबीर सिंह गद्दी पर बैठे तो उसके कुछ ही समय बाद 1857 का जो गदर हुआ, जब दिल्ली झांसी और मेरठ में जो सिपाही है उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, तो उस समय में जो कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो डोगरा राजा थे उन्होंने अंग्रेजों की बहुत मदद की। हमें ये रेफरेंस मिलते हैं कि जब जो बागी जो या फ्रीडम फाइटर्स भी कहते हैं, बागी भी कहते हैं, जो इंडियन फाइटर्स थे दिल्ली में जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जो जम्मू कश्मीर के डोगरा राजा हैं उन्होंने 3,000 फौज भेजी अंग्रेजों की मदद करने के लिए। और जब अंग्रेजों ने दिल्ली रिकैप्चर की जो रिबेल्स हैं उनको हरा कर, तब उन्होंने ये जो कश्मीर जम्मू कश्मीर की जो फौज है उन्होंने बहुत मदद की अंग्रेजों की। तो उसकी वजह से एक जो राज परिवार के प्रति अंग्रेजों का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा। अब ये महाराजा रणबीर सिंह का समय ये भी समय था जिसे ग्रेट गेम कहा जाता है। अभी जो रशिया जो चर्चा में है यूक्रेन में जैसे वो एक्सपैंड कर रहे हैं, उसी तरह उस समय वो सेंट्रल एशिया में उज़बेकिस्तान किर्गिस्तान वो ये चाह रहे थे कि वो पूरा अफगानिस्तान और पेशावर तक का इलाका रशिया अपने अंडर लेना चाहता था। तो इसे ये जो झगड़ा था इंग्लैंड और रशिया के बीच में सेंट्रल एशिया को लेकर उसे ग्रेट गेम कहा जाता है और उसमें कश्मीर का बहुत महत्व था, बिकॉज सेंट्रल एशिया जाने वाले काफी रास्ते काराकोरम पास हो पंजशीर पास हो ये सारे जम्मू कश्मीर से रियासत से गुजरते थे, तो उसकी वजह से अंग्रेजों का बहुत इंटरेस्ट था जम्मू और कश्मीर को लेकर। तो उन्होंने क्या किया कि जो गिलगिट का जो एरिया है उसे नॉर्दर्न एजेंसी करके वहां पे अंग्रेजों ने अपना कॉन्टिंजेंट बिठाया ताकि वो पूरे सेंट्रल एशिया पर गिलगिट से नजर रख सके। महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे जो कश्मीरी शॉल्स हैं, जो पश्मीना टूश की शॉल और जो पश्मीना शॉल्स है उनके प्रमोशन के लिए भी काफी एक काम किया गया। उस समय पे महाराजा रणबीर सिंह ने चाइना से काफी जो सिल्क वर्म्स हैं और जो सिल्क इंडस्ट्री डेवलपमेंट है तो उसके लिए उन्होंने जो सेरिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे एक्सपर्ट बुलाए, यहाँ पे काफी उन्होंने पाठशाला की शुरुआत की गई और एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी काम किया। जो महाराजा रणबीर सिंह जो थे ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल्डर्स ऑफ द डोगरा डायनेस्टी। जम्मू में रघुनाथ मंदिर करके है, इस मंदिर को महाराजा रणबीर सिंह ने ही बनवाया आफ्टर द रघुनाथ दैट इज लॉर्ड राम, बिकॉज
जो जामवाल राजा है, जो डोगरा जामवाल राज परिवार है, वो अपने को राम, भगवान श्री राम के वंशज मानते थे। तो ये जो रघुनाथ मंदिर है, और नॉट ओनली दिस, ये रघुनाथ मंदिर, बट रघुनाथ मंदिर में उन्होंने एक संस्कृत लाइब्रेरी की स्थापना की, जो भारत की सबसे स्पेक्टैक्युलर और मोस्ट रेयरेस्ट और मोस्ट वैल्यूबल लाइब्रेरीज में से एक है। तो इसकी शुरुआत भी महाराजा रणबीर सिंह ने की, उन्होंने रणबीरेश्वर मंदिर बनवाया, और जो डोगरी भाषा है जो जम्मू की, उसके प्रमोशन के लिए महाराजा रणबीर सिंह ने बहुत ज्यादा काम किया। 1885 में महाराजा रणबीर सिंह का निधन हो गया और गद्दी पर आए उनके बेटे महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह गद्दी पे आने के बाद 1887 में उन्होंने जो बेगार है, बेगार मीन्स फोर्स्ड लेबर, ऑलमोस्ट हम उसे स्लेवरी कह सकते हैं, तो उसे उन्होंने अबॉलिश किया। महाराजा प्रताप सिंह ने जो लद्दाख जाने वाला पहला रास्ता उन्होंने बनवाया, उसके बाद उन्होंने 1898 में जो श्री प्रताप म्यूजियम है, जो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इस म्यूजियम की स्थापना की, श्री प्रताप कॉलेज की स्थापना की, अब अमर सिंह, महाराजा अमर सिंह ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, तो उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया महाराजा प्रताप सिंह ने। नॉट ओनली दिस, उन्होंने जम्मू और सियालकोट के बीच में एक रेलवे लाइन खोली, और उस समय जो महाराजा प्रताप सिंह का समय था, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस समय महाराजा प्रताप सिंह के समय में क्या होने लगा कि जो काफी जो अंग्रेज ऑफिशियल्स है वो अब कश्मीर आने लगे, बिकॉज उन्हें कश्मीर बहुत पसंद आने लगा, उसका क्लाइमेट, उसका नैसर्गिक सौंदर्य। तो इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन अंग्रेज ऑफिशियल्स के लिए। 1925 में महाराजा प्रताप सिंह का निधन हो गया और उनके भाई अमर सिंह के लड़के महाराजा हरि सिंह गद्दी पर बैठे। महाराजा हरि सिंह जो थे वो जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी महाराजा थे। महाराजा हरि सिंह को काफी बदनाम किया गया है कि वो उन्होंने कश्मीरियों पे बहुत अत्याचार किया, फॉर पोलिटिकल रीजन, उनकी और जो जवाहरलाल नेहरू है उनकी कभी नहीं बनती थी, और शेख अब्दुल्ला की कभी नहीं बनती थी, इसीलिए जो इतिहासकार हैं और इतिहास की किताबों में महाराजा हरि सिंह को काफी बदनाम किया गया है। बट सच बात तो ये है कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो काफी अच्छे शासक थे, उन्होंने जो काफी रिफॉर्म्स किए कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफी काम किया। और फॉर एग्जाम्पल 1932 में उन्होंने प्रजा सभा, जो एक डेमोक्रेटिक रूल है, उसकी स्थापना की, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस फोर्स है उसे उन्होंने रिफॉर्म किया, जो ट्रेड, जो हैंडीक्राफ्ट्स है कश्मीर के, उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने काफी काम किया। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि जैसे हम जयपुर रियासत में या बाकी रियासतों में देखते हैं कि जो 1900 टू 1920 का काल था, उस टाइम पे काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रियासतों में बने थे। तो उस जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे भी ये जो श्री प्रताप कॉलेज है या अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खुले थे। उसकी वजह से क्या हो गया कि जो काफी यूथ है वो एजुकेटेड हुआ और उनका एक वर्ल्ड व्यू बना। अब जब किसी भी जगह का एक यूथ होता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो एजुकेटेड होता है और जो उसे पता चलता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, तो वो अपना हक मांगने लगता है। तो उस समय वही हुआ, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो जो जम्मू और कश्मीर की जो हिंदू प्रजा थी, जो सारी, जो मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बिलोंग टू द हिंदूज, बिकॉज जो कश्मीरी पंडित थे वो पढ़े लिखे थे, इसीलिए जो स्टेट सर्विस है, जो मिडिल क्लास था, वो कंप्लीटली कश्मीरी पंडित था, और जो 90% के करीब जो पॉपुलेशन थी, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो बहुत ही गरीब थी, वो फार्मर्स हो गए या फिर जो शेपर्ड्स हो गए, तो उनकी फाइनेंशियल हालत, जो मुसलमान थे जम्मू और कश्मीर रियासत की, उनकी हालत बहुत ही खराब थी। और न सिर्फ मुसलमान, इनफैक्ट अगर आप लद्दाख भी देखो तो वहां के जो बुद्धिस्ट लोग थे उनकी भी हालत बहुत खराब थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों की हालत खराब थी जम्मू और कश्मीर रियासत में। सो दे वर द रिच, द फ्यूडल्स और गरीब, अक्रॉस रिलीजन्स।
और उसमें अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसे उसमें हिंदू मुस्लिम डिवीजन किया है, बट ये एक आप उसे फ्यूडल तरीके से देख सकते हैं लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स के बीच में। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो शेख अब्दुल्ला जो है 1920s 1930s में काफ़ी पॉलिटिकली स्ट्रांग हुए, उन्होंने जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इस्लामिक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसकी स्थापना की। और ये जो कश्मीरी लीडर्स थे वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब थे, तो बिकॉज शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब थे उसकी वजह से महाराजा हरि सिंह और कांग्रेस के बीच में एक दूरी आ गई। इनफैक्ट 1931 में यहाँ पे एक काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हिंदू और मुसलमानों के बीच में, बहुत बड़े रायट्स हुए थे 1931 में, और उसका कारण ये है कि अब्दुल कादिर खान करके एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से एक आदमी आए थे कश्मीर, और उन्होंने एक स्पीच दिया महाराजा के अगेंस्ट, तो उन्हें अरेस्ट करके जेल में, मतलब जज ने उन्हें ट्रायल पे रखा, और जब उनका जो मुकदमा चल रहा था तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उस कोर्ट पर अटैक किया, और तब महाराजा के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस राइटर्स पर फायरिंग की और उसमें काफी लोग मारे गए, तो जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में एंटी हिंदू रायट्स काफी बड़ी तादाद में हुए, और बाद में इसे मार्टर्स डे और इस तरह से उसे प्रोपगैंड किया गया कि ये महाराजा ने अत्याचार करके इन प्रोटेस्टर्स को गोली मार दी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब एक महाराजा हरि सिंह एक डायलेमा में थे, क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो मुसलमान थी, उन्हें एक प्रेशर था कि आप पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो जम्मू और सियालकोट के अलावा जितने भी जो रोड्स थे जो जम्मू कश्मीर रियासत जाते थे वो सारे पाकिस्तान से थे, सियालकोट का एक ही रूट था हमारे पास। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि जो महाराजा हरि सिंह है वो इंडिया नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, बिकॉज नेहरू जो थे वो कंप्लीटली अगेंस्ट थे उनके, और वो कंप्लीटली प्रो शेख अब्दुल्ला थे, तो इसीलिए वो काफी हिचक रहे थे, ऐसे नहीं है कि वो एंटी इंडिया थे या ऐसा कुछ था, तो उसकी वजह से वो सोच रहे थे, वो नेगोशिएट कर रहे थे कि कहाँ क्या करें, कि आइदर पाकिस्तान जाए इंडिया जाए। उसके बीच में ही क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा कबाइल जो ट्राइबल इन्वेजन है पाकिस्तान से वो यहाँ पे हो गया, और नॉट ओनली दिस, गिलगिट जो एरिया है उसमें मेजर ब्राउन करके एक अंग्रेज ऑफिशियल थे, उन्होंने कॉन्स्पिरसी करके वो जो पूरा गिलगिट का एरिया है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया। इनफैक्ट एक किताब भी है द गिलगिट रिबेलियन करके, जिसमें उन्होंने खुद अपने शब्द में मेजर ब्राउन ने कहा है कि इस तरह मैंने दगे धोखा करके जो गिलगिट का इलाका है वो पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया। तो तब क्या हुआ कि जो भारत है उसने कहा कि जब तक आप साइन नहीं करोगे, जब तक आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करोगे, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो लिटरली जो पाकिस्तान के जो अटैकर्स हैं, इन्वेडर्स हैं, वो श्रीनगर के ऑलमोस्ट बाहर तक पहुंच गए थे, और लास्ट मोमेंट पर महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, और फिर भारत इंडियन आर्मी है उसने एक जो एयरलिफ्ट की अपने सारे ट्रूप श्रीनगर में, और फिर बाद में आपको तो पता है कि जैसे जो यूनाइटेड नेशंस में ये भारत ये मामला लेके गया, सीज फायर हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीजें हो गई। एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हैदराबाद के जो निजाम है उन्होंने भारत के खिलाफ बगावत की, उन्हें और जो लड़ाई हुई, फिर भी जो माइनॉरिटी मुसलमान पॉपुलेशन है उसे रीअश्योर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने और मीर उस्मान अली खान को हैदराबाद का राज प्रमुख बनाया। तो जब जम्मू और कश्मीर जो रियासत है जब उन्होंने भारत ज्वाइन किया, तो यहाँ की जो हिंदू है उनकी मांग थी कि महाराजा हरि सिंह को एज अ गवर्नर, एज अ राज प्रमुख कंटिन्यू किया जाए, बट शेख अब्दुल्ला जो थे वो इसके कंप्लीटली खिलाफ थे, तो उनको पूरा अनदेखा करके महाराजा हरि सिंह को उन्होंने मजबूर किया कि कश्मीर छोड़कर बॉम्बे जाए, और फिर उसके बाद महाराजा हरि सिंह बॉम्बे और पूना में ही ज्यादातर समय बिताते थे। 1961 में महाराजा हरि सिंह का बॉम्बे में निधन हो गया। महाराजा हरि सिंह जी के
जो एक ही उनकी उनके बेटे थे डॉक्टर करण सिंह, वो जो थे वो जो नेहरू गांधी परिवार है उसके काफी करीबी थे, कांग्रेस के काफी करीबी थे। वो एज सदरे रियासत या गवर्नर जो है वो कुछ समय तक जम्मू और कश्मीर में रहे। बाद में वो इंदिरा गांधी के अंडर मिनिस्टर भी बने और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। आज जो है डॉक्टर करण सिंह का परिवार अभी भी दिल्ली में रहता है, और जो राज परिवार का जो पैलेस था श्रीनगर में गुलाब भवन, वो इज विद द ललित ग्रुप ऑफ होटल्स, और जो जम्मू में उनका जो महल है अमर महल, वो एक म्यूजियम है और राज परिवार के साथ अभी भी है। तो थैंकफुली अभी जो यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर बना है उसके बाद एक रिन्यूड इंटरेस्ट आया है इस जामवाल डोगरा राज परिवार में और जो जम्मू कश्मीर के रियासत में। बिकॉज क्या हो गया था कि आजादी के बाद काफी साल जो जम्मू के जो पॉलिटिशियंस थे उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए जम्मू और कश्मीर रियासत का इतिहास देखा गया। तो थैंकफुली अभी एक न्यूट्रल लुक, न्यूट्रल एक पर्सपेक्टिव लोग ले रहे हैं इस रियासत को लेकर। तो ये थी कहानी जम्मू और कश्मीर रियासत की।